গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর, গুরু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। আঙ্গিকং ভুবনং যশঃ বাচকং সাত্ত্বিকং শিবং বন্দে বন্দে শোভিতম শাস্ত্র পুষ্প সমায়ুক্ত বিদ্বৎ ভ্রমণ শোভিতম সভা সভা అయ్యా అయ్యా సభయ అనగా ఆంధ్రప్రభ కాదురా సభయ అనగా పండితులు విద్వాంసులు కిన్నెలు పెద్దలు అందరూ కలిసి కూర్చున్నటువంటి దాన్ని సభ అంట. అట్టి సభకు నమస్కారం చేసి మనం కథ ప్రారంభిస్తాం. విఘ్నము చేయకురా వినాయక, విఘ్నము చేయకురా వినాయక, విఘ్నము చేయకురా వినాయక, విఘ్నము చేయకురా. गाना तेलुगु में गाया है। तेलुगु में? लेकिन भाई जी बोलिए, बात क्या है? ये सामने जो लोग बैठे हैं ना, उनको तेलुगु समझ में नहीं आता। आप हिंदी में समझा दीजिए। अच्छा अच्छा, यानी आप तेलुगु में बोलेंगे, मैं उनको हिंदी में समझा दूंगा। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, शुरू करो। विक्रमो से चतुरा विनायक, विक्रमो से चतुरा विनायक, विक्रमो से चतुरा। ये विघ्न विनायक गजानन की स्तुति हो रही है, इसका आशीर्वाद मांग रहे हैं। अच्छा भाई जी बोलिए, आज कथा कौन सी सुनाए? कथा बोलेंगे, पहले शुक्ल तो आ गया, देखिए। अच्छा अच्छा, सब लोग देखता हूँ। बूढ़े आए हैं? हाँ आए हैं, आए। जवान भी आए हैं? शाबाश। बच्चे आए हैं? हाँ आए हैं। लड़कियां भी आई हैं? वारे वाह, अरे वारे वाह, क्या शादी हो गया अभी तक? जैसे देखा लड़की की बहुत बड़ा, मेरे को शादी हो गया, मेरा बीवी तो सामने बैठा हुआ है। अभी जी माफ कर रहे हैं, सुहागने आई है? लेकिन अरे हमारे गांव में विधवा घर से बाहर निकलती नहीं है। क्यों बाहर नहीं निकल रहा है? क्यों क्या पूछता है, ये अशुभ है। वो तो गलत है, देख लीजिए। అందరూ వచ్చి ఆనందముగా విధవలురా లేదా, పిల్లల పెద్దల పెంచిన వారు రాని కారణము పెట్టిన
కట్టుబాట్లకు లొంగిపోయినారా? శాస్త్ర మహిమ చేత పగర్లుగా మార్చను ఈ నాకు बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते, उसमें कोई शो शो की कामना नहीं है, भावना नहीं है। अरे भाई ये तो विज्ञान युग है, आदमी चांद पर गया है। अच्छा भाई आज की कथा कौन सी है? देखिए ले चाय पी ले। गर्म है ना? तुझे कभी ठंडी चाय पिलाई है मैंने? बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं तुझे खूब जानती हूँ, गर्म ही है, ले ले। मैं यूं ही मजाक कर रहा था, तुम जब गुस्सा करती हो ना तो मेरे को मजा आता है। ले, अब बचपना खूब हुआ, चल ले ले। अरे हाँ, आज तेरी औरत आ रही है ना? आज सोमवार है ना? नहीं मालूम। हाँ आज ही बिटिया को लेकर आएगी। आरती उतारने के लिए किसी सुहागन को कह के रख दिया है, नहीं तो भूल जाएगा। सामने वाली घर की नीला है ना? हाँ, उसको बोल रखा है। अच्छा किया। पूछो माँ। हाँ। घर में चूना है ना? है तो क्यों? इस दीवार को लगा देता हूँ, चमक उठेगा घर, शकुंतला खुश होगी। दीवार को तो मैंने कल ही सफेदी कर दी है। अरे आंख खोलकर देखेगा तो पता चलेगा ना। आज शाम को तेरी बिटिया का नाम रखा जाएगा। कुछ नाम सोच के रखा है तुमने? शकुंतला ने सोचा होगा। देखो लक्ष्मी रखना, उसके भाग खुल जाएंगे। ले बेचूराम, लगता है कल तुलसी को पानी नहीं डाला तुमने। भूल गया। ये तो अच्छा हुआ कि कल बारिश आई थी, इसलिए सूख नहीं गई। अगर मैं विधवा ना होती तो मैं खुद ही। बस बस, सुबह उठते ही खिटर खिटर मत करना। नहाने के लिए पानी निकाल के रखा है। ठीक है। और सुनो। क्या है? तुम फिक्र नहीं करना। फिक्र काहे की? मैं खुद मंदिर चली जाऊंगी। जब सुहागने आएगी बिटिया को देखने तो मैं मंदिर चली जाऊंगी। जाऊ ना, जाऊ ना। देखा देखा आपने, एक तो सुबह में बेचुराम अपने फूफी का मुंह देखने को तैयार है, गाय देखने पर ही उसने आंखें खोल दी। पोचम्मा उसका कितना ख्याल करती है, लेकिन एक सुबह उसे आने पर माँ जैसी पोचम्मा उसने घर से बाहर जाने को मजबूर किया। बहुत छंद स्वभाव हम भी उतले दे धर्म बज जादा। अयो पाता पता चलो मर्च पूजे पैदलार में दो विनदा भारत वीर कुमार विजय कुमार देरा विनदा भारत वीर कुमार विजय कुमार देरा। अरे ये बेचुराम है ना, ये तो एक नंबर का गधा है गधा। अरे पोचम माँ ने उसकी शादी करा दी, उसके माँ बाप के मर जाने पर पोचम माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। उसको कोई सुधरने वाला नहीं है क्या? क्या हमारे गांव में नहीं है ऐसा लगा क्या? अरे है, एक आदमी है, एक नौजवान है, एक नव विचारों का आदमी है, एक पढ़ा है लिखा है, पढ़ाने वाला सिखाने वाला आदमी है। अरे लेकिन वो है कौन? प्रौढ़ शिक्षा का शिक्षक है। तो वो बेचुराम को कुछ पढ़ाएगा सुधारेगा? बेचुराम क्या चल रहा है? जयराम जी के मास्टर साहब। जयराम जी की क्या बात है बेचुराम, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बात यह है मास्टर साहब, आज हमारी बीवी मायके से आ रही है हमारे बेटी को लेकर। अच्छा, भगवान कृपा से हमारे घर का पहला मेहमान आज आ रहा है, हम बहुत खुश है। इसीलिए तो घर चमक रहा है जी। अब बाप बन गया हो तो मिठाई खिलानी होगी, छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको कहने वाला था, आज शाम मेरे बेटे का नाम रखा जाएगा, आरती वारती पूजा पाठ होगी, आप भाभी जी को लेके जरूर आना। अरे बेचूराम वो नामुमकिन है। क्यों? अरे बाबा वो क्या, वो भी मायके गई है क्या? हाँ नहीं बाबा नहीं, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। अच्छा अच्छा,
आप कहे तो आपके लिए शकुंतला लड़की देखेगी। मास्टर जी शादी कर लीजिए, ये हर रोज का हाथ पांव चलाना हमेशा के लिए मिट जाएगा। नहीं बाबा, अरे वो बात नहीं है। बेचूराम तुम्हारी चाय। अंदर जाओ ना, बाहर आने को किसने कहा? हमारी पोछो में विधवा है ना बेचारी, तुमने तो चाय पी ली होगी। नहीं, आपके स्कूल के यहाँ गंगाराम की दुकान है। हाँ है, उस पर चाय मिलेगी। पोचमा की बनाई हुई चाय मैं कैसे देता, विधवा है ना बेचारी। आप थोड़ी देर यहाँ रुकिए, मैं खुद चाय बना के लाता हूँ। देखो बेचूराम, उसकी कोई जरूरत नहीं है, पोचम्मा की बनाई हुई चाय मैं पी लूंगा, उसमें हर्ज क्या है? क्या? अरे बाबा, वैसे तो मैं खुद ही अपनी चाय बनाकर पीने का आदी हूँ। मैं अपने हाथों ऐसा पाप नहीं कर सकता। आप थोड़ी देर यहाँ रुकिए, मैं खुद चाय बना के लाता हूँ। रहने दो बेचूरा, मेरे स्कूल का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। शाम को जरूर आना। हाँ आ जाऊंगा। अजीब आदमी है, कहता मैं पी लूंगा। जाने दो, भूल जाओ। जरा हटकर देखती नहीं, दीवार पर मैंने अभी अभी शुभ का टीका लगाया है, तेरा हाथ लग जाएगा तो पूरा काम का सत्यानाश होगा। देखा तू, बेचूरा ने पोचम मां के साथ कैसी बात की। अरे आओ, लोग तो कुत्तों बिल्ली से भी इससे ज्यादा प्यार करते हैं। अरे बात तो कुछ भी नहीं है। अरे बेचूरा की बात छोड़ो, एक गांव वाले है ना, ये इससे भी कम नहीं है। क्या है, वो सामने वाले घर में एक लड़की रहती है, बड़ी अच्छी प्यारी और सुंदर लड़की है, और उसका नाम है चमेली। पास वाली गांव से वो सीतारामैया और गंगवा उसे देखने के लिए उसके घर आए। आपने हमारी चमेली बिटिया को तो देख ही लिया है, अगर वो बहू बन के आपके घर आ जाए तो हम माँ बाप को बड़ी खुशी होगी। जवाब हम भिजवा देंगे। देखिए हम गरीब जरूर हैं, मगर हमारी लड़की बड़े घर के तौर तरीके अच्छी तरह से जानती हैं। अगर वो बहू बन के आपके यहाँ आ जाए तो जवाब हम जरूर भिजवा देंगे। लेन देन में लड़की के लिए कपड़ा, आपके लिए धोती, लड़की के माँ के लिए साड़ी, सारे बारातियों का मान पान, वो सब तो बात की बात है। अच्छा तो हम चलते हैं। जयराम जी की। जयराम जी की, मैं शाम को आपके घर आ जाऊं। आ जाइए। जयराम जी की। जयराम जी के। हे भगवान, हरे राम। ये विधवा को अभी सामने लाना था, अब क्या खाक होगी हमारी बेटी की शादी। सत्यानाश हो गया। चलो चलो अंदर, चलो चलो अंदर। पोचम्मा सुनिए तो, पोचम्मा की बनाई हुई चाय मैं पी लूंगा, उसमें हर्ज क्या है? मास्टर जी। क्या है पोचम्मा, क्या आप भी सीखना चाहती है? नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ बैठे रहना चाहती हूँ, घर में शुभ कार्य है ना। ठीक है फिर बैठो ना। कृष्णामूर्ति, अम्मा को बैठने को जगा दो। नहीं, वो कहीं बाहर गई है, अब भगवान करे तुझे जल्द ही बच्चा हो। चल है, जा जल्दी से मुझे टीका लगा, मैं चलती हूँ। अरे हाँ, तुम दोनों ने ये क्यों लिया है? जाओ जाके अंदर जाके उसको दे के आओ। जा, मैं नहीं दूंगी, उन्होंने ही मुझे दिया है। अरे शकुंतला, पोचम्मा कहाँ गई? नीला बहन, उन्होंने कहा इस शुभ अवसर पर उसका क्या काम, न जाने कहाँ भेज दिया। अच्छा, भगवान करे तेरी बेटी जुग जुग जिए, मैं आती हूँ। अरे नीला बहन, मिठाई ले ली? हाँ ले ली। अच्छा मैं जल्दी। अच्छा, गुड्डी कैसी है? चुप पड़ी है, बड़ी देर से कोई आवाज ही नहीं की। क्या मतलब, सब ठीक तो है ना? पोचम्मा को तो ले आओ, वही जाने क्या बात है। मेरे को क्या मालूम पोचम्मा कहाँ है? तभी तो कह रही थी उसे घर में ही रहने दो, न जाने कहाँ भेज दिया। मंदिर तो नहीं गई?
मास्टर साहब क्या बात है बेजुराम? बात यह है कि बच्ची बीमार है। मेरा काम तो सिर्फ पढ़ाना सिखाना है, तुम्हें पोचम्मा से ही पूछना होगा। अब कुछ भी कीजिए मास्टर साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। देखो बेजुराम, इस काम में मैं तुम्हारे कोई भी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें अपनी पोचम्मा से ही पूछना होगा। मेरी बच्ची का सवाल है, आप कुछ भी कीजिए, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं यहाँ हूँ। चलो पोचम्मा, गुड्डी बीमार है। मैं नहीं आऊंगी। अरे मैं विधवा हूं तो क्या तुम्हारे लिए गैर हो गई? इधर मत बैठो, उधर मत देखो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। तुलसी को पानी डालने तक का मुझे अधिकार नहीं। बच्ची का मुंह भी नहीं देखा अभी तक। जब से शकुंतला आई है बिटिया को लेकर, तुमने मुझे घर से बाहर कर दिया। क्यों? अरे इस विधवा ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, ये भी भूल गया। मेरी गलती हुई पोचम्मा। चलो पोचम्मा। मास्टर जी, बिटिया के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। हर शकुंतला भी बड़ी होनहार लड़की है। आपने ये कहानी बहुत अच्छी सुनाई। अब हमारे गांव के लोगों को अकल आ गई। जी हाँ, बड़ी सच बात कह दी है आपने। अब हम सब सुधर जाएंगे। आज से हमें यह मालूम हुआ है कि विधवा होने से कोई अशुभ नहीं है। अगर हमारी माँ जैसी औरत को हम प्यार न दें, उसका सम्मान न करें, तो हम मनुष्य कहने लायक न होंगे। लेकिन क्या उस लड़की का चमेली का विवाह हो गया? शुभ अशुभ कल्पना छोड़ो, प्रेम उससे बड़ा है। माता हो या मौसी, विधवा हो या सुहाग, स्त्री की इज्जत करना यही धर्म है। आदम दमा दमा जने आजे मेरी।